हमारा प्रोटेस्ट जब तक चलता रहेगा, जब तक हम लोगों को जस्टिस नहीं मिल जाता। आप देख सकते हैं कि आरजी कर में कितना सारा एविडेंस मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। हर कोई बंदा मिला हुआ है, जितना भी हायर अथॉरिटी है, जितना भी पुलिस का हायर अथॉरिटी है, जितना भी हमारा जो हेल्थ का हायर अथॉरिटी है, सारे के सारे मिला हुआ है। आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने दिनों से बैठे हुए हैं, फिर भी हमारा न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा न्याय यात्रा जल्द चलता रहेगा। क्या मांगे और किस तरह की आप जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टाफ नर्स के बारे में बताएं। जी, मैं स्टाफ नर्स हूँ। हमारा मांग यही है कि हम जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और फिर एक जगह से दूसरे जगह कुछ जरूरत से जाते हैं, पेशेंट की जरूरत से ही हम जाते हैं, तो हमारा डिमांड या हमारा मांग यही है कि हमको सेफ्टी दे। हमारा एडिक्वेट सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस कर्मी होना चाहिए, लेकिन उस तरह का पुलिस कर्मी या सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए जो खुद अपना सेफ्टी के लिए निकल जा रहे हैं और हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा डिमांड है सेफ्टी। तो किस तरह की जो है अब तक आप लोगों को जो सिक्योरिटी मिलती थी और अब क्या अंतर चाहते हैं आप, किस तरह का हो? अंतर चाहते हैं कि हम हमारे मन के अंदर में जो एक डर रह गया है कि जिस दिन नाइट को जो घटना घटा था, 15 तारीख का नाइट को जो घटना घटा है, वो घटना देख के तो हम बहुत डर चुके थे। अपने आप को मतलब रक्षा के लिए हम इधर उधर हो रहे थे। उसी दौरान जब पुलिस कर्मी या सिक्योरिटी गार्ड वो अपने रक्षा के लिए जगह खोज रहे थे, तो हम उससे और डर चुके थे कि ऐसे दुर्घटना में जब वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कहां जाएंगे। तो लेकिन पुलिस प्रशासन तो कह रहे कि हम पूरी सुरक्षा देने को तैयार हैं। किस तरह का सुरक्षा देने के लिए तैयार है? वो तो खुद अपना सेफ्टी के लिए बाथरूम में घुस के अपना सेफ्टी कर रहे थे, अपने को बचाव कर रहे थे, तो किस तरह का प्रशासन? और अगर प्रशासन बोल रहे कि हम तो आपका सेफ्टी कर ही रहे हैं, तो फिर एक नर्स अपने आप को बचाव करके इमरजेंसी से कैसे निकल के आई? वहाँ पुलिस कर्मी क्यों नहीं आए नर्स लोगों के साथ कि चलिए हम आपको निकालते हैं उस जगह से, दुर्घटना से? क्यों वो अपना बचाव किए जबकि उनके पास एडिक्वेट सेफ्टी वाले चीज रखते हैं वो? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।